हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंस के कुल 50 क्वेश्चंस की, जहां से कि आपके सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करो, उसके बाद आप ये भी कमेंट करो कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन सही सही आते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है। कह रहा है एसआई यूनिट में टेम्परेचर की हमसे यूनिट पूछ रही है कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है। आपको पता होगा टेम्परेचर की यूनिट हमारे डिग्री सेंटीग्रेड होती है, डिग्री सेल्सियस होती है, डिग्री फॉरेनहाइट होती है, केल्विन होती है। ये चारों हमारे टेम्परेचर की यूनिट होती ही होती हैं। बट अगर आप बात करते हैं कि टेम्परेचर की यूनिट एसआई सिस्टम में क्या होगी, तो जैसे ही एसआई सिस्टम की बात आती है तो हमारी हो जाती है केल्विन। नेक्स्ट इसी तरीके से पूछ रहा है कि इनमें से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है। उष्मा यानी कि हीट का हमसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा यूनिट नहीं है। तो अगर बात करें हीट की यूनिट की, तो आपको ये ऑप्शंस देख के पता चल रहा होगा कि कैलोरी हो या किलो कैलोरी या जूल, ये सारे हीट की यूनिट होती है। बट अगर बात करते हैं हम डिग्री सेल्सियस की, तो डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा टेम्परेचर की यूनिट होती है। ऊपर ही हमने देखा कि ये हमारे तापमान की इकाई होती है। भले ही एसआई सिस्टम में केल्विन हो जाती है, बट टेम्परेचर की यूनिट हमारी डिग्री सेल्सियस भी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर बात करें उष्मा का मात्रक नहीं है का, तो ये होगा डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये टेम्परेचर का मात्रक है। नेक्स्ट है, एक किलो कैलोरी उष्मा का मान क्या होता है। कह रहे एक किलो कैलोरी उष्मा का मान क्या होता है। हमने ऊपर देखा कि उष्मा यानी कि हीट की जो यूनिट होती है वो आपकी जूल होती है, कैलोरी होती है, किलो कैलोरी होती है। तो एक किलो कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो एक किलो कैलोरी इक्वल टू हमारा हो जाता है आपका 4200 जूल, हम बोल सकते हैं, जिसे हम कर सकते हैं 4.2 × 10³ जूल। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से आपका एक क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आपका हो गया केल्विन। फिर उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं के साथ क्या होता है। तो जैसे ही आप किसी वस्तु को गर्म करोगे तो उसके जो अणुओं यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो चाल है वो बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इसी तरीके से कि जब किसी वस्तु को हम ठंडा करेंगे तब उसके अणुओं के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर गर्म करने से चाल बढ़ता है तो ठंडा करने से इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, चाल घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसी तरीके से, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। कोई भी वस्तु है उसका टेम्परेचर जो है, ताप जो है, वो किसका सूचक होता है। तो किसी भी वस्तु का ताप जो होता है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आपको ध्यान में रखना है अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है हमारा ताप। नेक्स्ट है इसी तरीके से, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा जो है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वस्तु का ताप यह सूचित करता है कि अगर हम उस वस्तु के संपर्क पर जाएगा तो उसका जो उष्मा होता है वो अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित हो जाएगी। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का ताप है उस पर अगर हम संपर्क किया जाता है तो क्या होता है कि अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से वो प्रवाहित हो जाता है उष्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है, कि वस्तु की क्या बढ़ती है। अगर किसी वस्तु के ताप में वृद्धि हो जाता है, टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट आता है, तब उस वस्तु का क्या बढ़ता है, तो उष्मीय ऊर्जा बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। कह रहा है हीट जो है एक प्रकार की एनर्जी है और इसे हम वर्क में बदल सकते हैं, यह सबसे पहले किसने कहा था। आप सभी को पता होगा कि ये चीज़ होती है, तो इसे सबसे पहले किसने कहा था, तो रमफोर्ड ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने, आप सभी को पता होगा कि जब हम बर्फ यानी कि आइस के दो टुकड़े आप हाथ में लेते हो, अगर आपको उसको आपस में पिघला देते हैं, वो आपस में पिघल जाती है बर्फ के दो टुकड़े, तो वो चीज़ होता है, या आपको भी पता होगा, आप इसे करके देख भी सकते हो। तो यह चीज़ सबसे पहले किसने कही थी, तो यह सिर्फ चीज़ सबसे पहले करी थी डेवी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलता है तो किए गए कार्य और उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है? करें जब भी कोई कार्य यानी कि वर्क होता है वो हीट में बदलता है और हीट भी जो वर्क में बदलता है, तो इसमें जो कार्य और उत्पन्न ऊष्मा का रेशियो होता है वो एक स्थिरांक यानी कि कॉन्स्टेंट होता है, जिसे हम ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू जो होती है हमारी हो जाती है, बात करें तो ये हमारी हो जाती है 4.186 जूल पर कैलोरी। ये आप सभी को पता होगा कि ये हमारी हो जाती है 4.186 जूल पर कैलोरी। बट हम सीधे इसमें टिक नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हो अगर हम 4.186 में अगर आप 1000 को गुना कर देते हो, जो कि जिसे कि हम किलो कैलोरी में इसे चेंज कर सकते हैं, तो 4186 आती है। तो ये भी आपका देके रखा है 4186 जूल प्रति कैलोरी। तो ये दोनों सेम है। और अगर बात करें तो एक अर्ग इक्वल टू होता है हमारा 10^7 जूल। तो अगर हम इसे चेंज कर सकते हैं तो 4.186 इंटू 10^7 अर्ग कैलोरी हो जाएगा इसी तरीके से। तो ये भी हमारा अगर बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, तो ये भी आपका सेम है, यानी उपर्युक्त सभी में चला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसी तरीके से बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा सही है? तो अगर सही की बात करते हैं तो आपका सही क्या होता है, तो W/Q = J, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में किस चीज़ का रूपांतर, कौन सी ऊर्जा का रूपांतर किस ऊर्जा में होता है? करें जब कुछ पानी का आप लगातार मंथन करते हो तब उसका जो ताप है वो बढ़ जाता है, तो यह क्रिया है जो इस क्रिया में क्या होता है, तो इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? कह रहा है वाष्प इंजन जो होता है उसमें उबलता हुआ जो जल होता है उसका टेम्परेचर किस कारण से ज़्यादा हो सकता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है कि शीतकाल यानी कि ठंड में जो होता है हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है, तो ऐसा इसलिए क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी के जो भीतर का तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। जो भी आपके फर्क पड़ती है तापमान का, टेम्परेचर का, वो वायुमंडल में पड़ती है, ना ही कि पृथ्वी के भीतर। पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वो धीरे धीरे चेंज होता है, तो पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसी तरीके से कह रहा है कि जलप्रपात के अध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? कह रहा है जलप्रपात का जो अध स्थल होता है उस पर जो जल का टेम्परेचर होता है वो ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक के साथ क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बर्फ़ पे आप दाब बढ़ाते हैं तो उसका जो गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग जो होता है वो, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका गलनांक आपका घट जाता है। अगर आप बर्फ़ पे दाब बढ़ाओगे, आप इसे ट्राई कर सकते हो, तो उसका गलनांक जो हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, कैसे? कह रहे गर्मियों में टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है फिर भी जो ऊँट होता है आपका वो राहत महसूस करता है गर्मी से, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी क्यों होते हैं? तो गैस तापमापी जो होता है वो द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी इसलिए होते हैं क्योंकि गैस का जो प्रसार गुणांक होता है वो अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसी तरीके से बात करें तो ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? आपसे पूछ रहा है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो सीबेक के प्रभाव पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है किस चीज़ से? कह रहा है बहुत ही ज़्यादा अधिक जो ऊंचा टेम्परेचर होता है उसकी माप हम किस चीज़ से करते हैं? तो उसकी माप जो है हम करते हैं पूर्ण विकिरण उप तापमापी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पूर्ण विकिरण उप तापमापी किस सिद्धांत पर कार्यरत है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी जो होता है वो हमारा स्टीफन के नियम पर कार्यरत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। कह रहे दूर की जो वस्तुएं होते हैं जैसे आपका सूर्य हो गया, इसका हम टेम्परेचर किस तापमापी के द्वारा मापते हैं, तो इसके टेम्परेचर को मापा जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि जो ठंडा देश होता है उसमें पारा के स्थान पर, आप सभी को पता होगा टेम्परेचर मापने के लिए पारा यानी कि मरकरी का यूज़ होता है, बट ठंडे देशों में पारा की जगह पर अल्कोहल को ही वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल का जो द्रवांक होता है वो निम्नतर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? थर्मस फ्लास्क इसके बारे में पूछ रहा है कि इसके आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कारक हैं डीवार। फिर आपका क्वेश्चन है कि स्टीफन का विकिरण नियम क्या होता है, तो स्टीफन का विकिरण नियम होता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब अगर इसी को हम वर्ड में चेंज कर दें, जैसे कि यहाँ है कि किसी कृष्णिका के आपसे पूछ रहा है कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम किसका है? तो हमने ऊपर ही देखा कि स्टीफन का नियम क्या होता है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। तो यहाँ पे अगर ई यानी कि एनर्जी की बात करते हैं यानी कि ऊर्जा की, तो ये आपका उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा होती है किसी कृष्णिका के एकांत पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड जो ऊर्जा उत्सर्जित जो विकिरण ऊर्जा होती है उसे हम ई से डिनोट करते हैं और परम ताप को टी से यानी कि टेम्परेचर से डिनोट करते हैं। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, इसे हम कहते हैं स्टीफन का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कह रहा है कि आपको जो चारों ऑप्शन है कांच, तांबा, सीसा, जल, इन चारों में से किसमें सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है कि वैल्यू होती है, तो वो आपकी होती है जल में, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का जो ताप होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है। कह रहे किसी भी पदार्थ का जो एकांक द्रव्यमान के ताप 1 डिग्री सेल्सियस में अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसमें कौन सी ऊष्मा लगती है बढ़ाने में, तो वो लगती है विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किस चीज़ में होता है? कह रहे निम्न तापी इंजनों का प्रयोग आपका किस चीज़ में होता है, तो ये हमारा होता है अगर बात की जाए तो ये आपकी होती है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापी जो इंजन होते हैं उसका प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क में जो ऊष्मा का क्षय होता है उसे हम किस तरीके से रोक सकते हैं, तो थर्मस फ्लास्क में जो ऊष्मा का क्षय होता है उसे हम संवहन, विकिरण तथा चालन तीनों से रोक सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क की जो आंतरिक दीवारें होती है वो चमकीली क्यों होती है, तो ये इसलिए होती है क्योंकि ये जो होती है वो चमकीली इसलिए होगी क्योंकि विकिरण द्वारा जो होने वाली ऊष्मा होती है उसकी हानि को चमकीली नहीं रहेगी तो नहीं रोक पाएगी। तो थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली इसलिए होती है क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को वो रोकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें तो थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्यों? तो थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थ को लंबे समय तक इसलिए गर्म रखता है क्योंकि इसकी जो चमकदार आंतरिक दीवार और बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें होती है वो ऊष्मा को निकलने या प्रविष्ट होने से रोकती है। इस कारण हम जैसे भी पदार्थ को रखते हैं वो उसी तरीके से रखती है, तो अगर हम गर्म रखते हैं तो वो गर्म ही रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? कह रहा है अच्छे जो उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह नियम किसका है? तो किरचॉफ का नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? कह रहा है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग होता है जो कि सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो वो हमारी हो जाती है अवरक्त किरण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट है हमारा शीतकाल में कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? तो शीतकाल में हमें कपड़े गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि यह जो होता है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, शरीर की जो ऊष्मा होती है वो बाहर नहीं जा पाती है, तो शरीर की जो गर्मी रहती है वो हमें गर्म रखती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट कह रहे हैं कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कैसा होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम धूप से बचें तो छाते में जो रंग संयोजन होना चाहिए वो हमारा ऊपर सफ़ेद और नीचे काला होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ताकि क्या होगा कि जो सफ़ेद किरण, जो सफ़ेद रंग होगी वो किरण को परावर्तित कर देगी, इस कारण ऊपर सफ़ेद और नीचे काला होना चाहिए। नेक्स्ट है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या महसूस करते हैं। तो जो काली त्वचा वाले व्यक्ति होते हैं वो सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इसी तरीके से अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्यों? कह रहा है सुबह का सूरज दोपहर के सूरज से ज़्यादा गर्म होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि सुबह के समय जो सूरज की किरणें होती है उसे अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इस कारण वो धीरे धीरे पहुंचती है, तो धीरे धीरे पहुंचती है तो इसलिए उसे दोपहर में गर्म हो पाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नेक्स्ट कह रहा है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र इसलिए शीतल होते हैं क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म क्यों होती है? तो ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा इसलिए गर्म होती है क्योंकि वह ताप के अच्छा रोधक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है? कह रहा है कि अगर आप देखते होगे कि अगर आप पे हाथ पे थोड़ा सा भी उबलता जल गिर जाए या फिर भाप आपको लग जाए तो आपको भाप ज़्यादा कष्टदायक लगता है, यह क्यों होता है? तो यह इसलिए होता है क्योंकि भाप में जो होती है गुप्त ताप होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। कह रहा है वायुमंडल में जो आर्द्रता की उपस्थिति होती है वह एक स्टील के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है कि वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है। तो वो जो गिलास है वो किस चीज़ से भरी होनी चाहिए? तो वह गिलास आपकी भरी होनी चाहिए ठंडे जल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह किसका नियम है? कह रहा है कोई भी वस्तु जो है उसके जो ठंडा होने की दर होती है वह वस्तु और उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम किसका है? तो यह जो नियम है हमारा न्यूटन का शीतलन नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इसी तरीके से हमारा कह रहा है कि न्यूटन का शीतलन नियम कब लागू होता है? तो न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू हो सकता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में से कितना समय लगेगा? तो अगर 90 से 80 में 10 मिनट लगेगा तो अगर उससे कम में बात की जाए, उससे 80 से 70 में, तो उससे और ज़्यादा वक्त लगेगा क्योंकि टेम्परेचर जो है बढ़ जाती है तो उसे और ज़्यादा वक्त लगता है, यानी 10 मिनट से अधिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? कहता कौन सा विधि है जिससे ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, क्यों? कह रहा है दिन के समय जो होता है पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होती है काफ़ी अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, ऐसा क्यों? कह रहे मोटर गाड़ी जो होता है उसके रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ जैसा ही हमने आपको ऊपर कहा ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।